सब भैया ने जय श्री राम। आपने आज ताज़ा अपडेट दे रही हूँ भूमाता बांद्रो, एक बार आप सब जना वीडियो ने शेयर कर दो। अब तकरीबन एक फुट करीब आ चा, एक फुट ऊपर थोड़ी चाल ली है, एक फुट थोड़ी है, कोई ज़्यादा नहीं है, एक या सवा एक फुट कह सकते अपना रपड़ चाल ली है। और काफ़ी लोग शायद आप सोचते रहे हो कि जिन दिन आ चालते उन दिन वट है थोड़ा फ्लो ज़्यादा देख, तो आज कम क्यों है तो उन्होंने बता दूँ वट है बड़ा बड़ा पड़ो जो ज़्यादा पानी रह लाग लाग कर वह देखो उठे खूणा बढ़ गया जाए सब। तो पानी एक कहीं है कि वो भी एक कुदरत रो करिश्मा है कि जो भी इन रास्ता में आया करा खुद इन्हें हटाए ले, या तो हट जाओ तो ठीक है, नहीं हटाऊ नहीं आवे इन बात हटा दिया। और वह सब वह उठ आगे पड़िया है, जितना भी अट पहला पत्थर पड़िया और जितो भी कचरो सब वह आगे ले गए। और अब एक फुट करीब चादर चल रही है, प्लस एक फुट है एक एक ऊपर चल रही है। और लारे मौसम भी बनियोड़ो है, उमस है आबार। और लिम्बेड़ा देवली रामपुरा पाटवा जांजनवास बिल्लाड़ा चोपड़ा और सरदार समंद तक किसान जितना भी बैठा है, आपने निराश रहने की जरूरत नहीं है। आ नदी आप तक उगेला, क्योंकि 20 तारीख बाद में एक एंटी साइक्लोन बन रही है, तो नयो एक बारिश रो दौर शुरू रही 20 तारीख बाद में। अगर अपने दो तीन दिन ऐसी धूप देखने वाते मिले तो मैं कहूँ अच्छी है, क्योंकि 10-15 दिन रहेगा लाडला, 10-15 दिन आप पूरी धूप नहीं देखिया। और अपन वास्ते लगातार बरसात की जरूरत नहीं है, क्योंकि बरसात अपने जो चाहता वह ईश्वर अपने सब काम बढ़िया करियो है, बांध भी ओवरफ्लो रहेगा और नदी धीरे धीरे आगे बढ़ भी रही है। अब धूप अपन क्यों जरूरी है या ईश्वर क्यों आ धूप बताइए, वह भी मैं बताऊँ आपने कि अपनी जितनी जरूरत है तो इन धरती माते जीव जंतु भी बसे है, जानवर भी है, और कई गौशाला में तो गायर इतनी दयनीय स्थिति है मैं आपने कहीं बताऊँ। आप आगा बैठन सिर्फ आप पंचायत ही कर सका, रियल बताऊँ आप गौशाला में जान दे दो वे गाया कई जगह गौशाला में, या तो गौशाला में पानी नहीं निकले और कई जगह है जो कादा कीच में बैठी है बेचारी। तो अगर दो तीन दिन धूप निकल जा तो अपन वहाँ तो बढ़िया है, ताकि वह जानवर या फिर गाया है पानी भी थोड़ी जगह सूख जाए। क्यों आप अगर दो घंटा अगर बारिश में भींजड़ रहा तो अपन वे दो तीन घंटों पर अपन शरीर में कपड़ों नहीं हवावे, तो आप सोचोगे 24 घंटा वे कादा कीच में रहे तो वे किक निकालती रही दिन। और मैं थोड़ा नीचे इन चक्कर में नहीं जा रही हूँ, कूटे का एक नेटवर्क नहीं आवे, बार बार नेटवर्क कट पर रह जावे, इन बात बराबर वीडियो नहीं बने, इन बात ऊपर भी बना रही हूँ। अरे भाई साहब ओ उठे मना करिए, उठे उठ जाइयो मत, आटू देख लो दे, उठे मत जाइयो। हाँ 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 आटू देख लो देख लो देख लो देखो, प्रशासन को सहयोग करना आप, देखो अपना हाथों को एडो काम नहीं रहना चाहिए आप, हमें उल्टो प्रशासन सहयोग करो। अगर कोई ऐडी घटना है या एडो कोई काम एडो कोई आगे जाओ तो रहे नदी नाला कहना, तो हमें रोकना टोकना चाहिए। और काफ़ी किसान मन में अगर आ रहे सके, नदी तो बहुत धीरे धीरे आ रही है, तो साहब जो धीरे आवे चीज़ वह हमेशा लंबी चले, क्योंकि अगर एकदम तेज नदी आवेला तो एकदम पाची तड़ाव करना बांध करना आयन धीरे धीरे चलेला, जितनी आ धीरे चलते चलते आ रही है तो बजरी मायने पानी जितो शोक 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 तो आ ली उतो ही बढ़िया है। क्योंकि अगर 4-5 दिन बाद में अगर 2 केरा 1 केरा भी बरसात देखे एकदम नदी आगे बढ़ जाए फिर वहाँ पटे वटे पानी नहीं छुए, तो काफ़ी किसान भाई निराश रहना जरूरत नहीं है। आप तक इन नदी रो पानी हर गांव तक पोगी, जो भी लूणी नदी रे नदी माते बछड़ा है गांव वटे सब जगह पो गया, क्यों अपन कहने ला रहे तक 1.5-2 महीना पड़िया बरसात रहा बाद वो पूरा पड़ियो है। एक फुट करीब चादर है एक एक प्लस,
एक दो इंच कोई ऊपर रह सके, लेकिन एक तो फिक्स है, एक फुट चादर चाल रही है। और परसों दिन जो एनी का टूटो होना आता है खेतरो कोई खेजड़ो कोई देखो पेड़ रो तन्नो बहन आयो जो वो रपट में टिक गो वन तो आप इन वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो सा। और आप सब भाई स्वयं लोगारो जो सहयोग रियो उन सहयोग अपन हवन सफल रहो है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सहयोग करियो और साथ दियो अपनों। और इन वीडियो के माध्यम में आप सबने बता दूं कि हवन में जो भी खर्चो आयो है और जितना लोग भाई सहयोग करिया तो वाणा तो मैं पेज में तो पहले ही मैं अपडेट डाल दी, लेकिन एक बार और डाल दूं कि किन कौन भाई कितना पैसा दिया और हवन में कितना खर्चा आयो, पंडित जी ने आप दक्षिणा कितनी दी, वे अगर लारे जो भी पैसों बची उन पैसा ने अपन का ही करना है, कोई चिकित्सालय जो गौशाला है उम्मीद देवा तो अच्छो है, या जो आपने अच्छो लगे वो आप निर्णय बता दीजो, क्योंकि आप जो हवन जो राखी थी 11-12 हज़ार तकरीब तो लाड़ा दो दिन तक 11-12 हज़ार रुपये अपन का ना आएगो, लेकिन जितो भी आयो है चाहे 12 हज़ार 100 रुपये ऊपर आया तो भी मैं आपने पूरी अपडेट दे दूँ, जो भी हिसाब किताब है सब आप राम राग हूँ। ठीक है साहब, बहुमत बांधो आपने मैं बता दी हूँ। और एक और मैं आपने बात बता दूँ, अगर और कोई भैसेण अगर कोई हवन करवानी चाहे या कोई मन में आड़ी रहेगी क्या साहब मैं हवन मन बुलाया कोने माँ खुद भी करनी चाहता तो आप हवन कर सको, लेकिन हवन रो भी एक नियम है कि हवन ये जगह यार बांध में अगर वापस आप वटीज करा तो 21 दिन बाद में करना चाहिए, क्योंकि आप हवन करा उन्होंने पहला 9 शक्तिपीठ और 9 ग्रह और 3 देव ब्रह्मा विष्णु और महेश ने आप याद कर बाद में उठे हवन करा तो वे टोटली गिला जने 21 दिन होया करे, तो हर देवी और हर देवता रो एक दिन होया करे, तो 21 दिन बाद में अगर कोई हवन करनी चाहो कोई भी गांवरा व्यक्ति तो आप वटे कर सको, लेकिन 21 दिन पहले मत कर दो, क्योंकि आगे जो आप हवन करियो हाँ बार काले तो उन्हें कहा थोड़े आप अब उन बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँ, ठीक है कि वो हवन रो फचवा क्रिया बिगड़ जाए, अगर आप हमेशा 9 देवी 9 ग्रह 3 ब्रह्मा विष्णु महेश ने साक्षी मान वट हवन करियो तो 21 दिन तो निकलना चाहिए, उन बाद में आप वट हवन कर लीजिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मानो भी जो सहयोग रही मैं भी आपके साथ हाँ, आप जो भी काम बढ़ो पानी चाय नाश्ता पानी जो भी काम दे मैं आगे आपके वास्ते तैयार हाँ। और हवन भी काले बहुत बढ़िया रहेगा सर, सुख शांति सब बढ़िया, और सामरा गोदली बेला में और फलो भी रहो। ठीक है सर, आगे आपने मैं लाइव वीडियो काड़ो कलर नदियों बताऊं। ठीक है सर, जय श्री राम जय श्री आईजीरी, आप सब लोगों ने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। काड़ो कलर बाद में रायपुर दीपावास लोनी बांध और लास्ट में नदी कड़ तक पूगी और शाम तक कड़ तक पूगना चांस है वैसा बताऊँ आपने। जय हिंद जय भारत।